हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप चैनल से। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने काश्मीरी मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर कोई भी कमी लगे तो आप लोग कॉमेंट करके वो बता दीजिएगा, मैं माइंड नहीं लूँगी। और चलिए इस लुक को देख लेते हैं हमने किस तरीके से क्रिएट किया। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको लास्ट में अच्छा अच्छा सा क्लोजअप दिखाया है। तो चलिए देख लेते हैं इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो गाइस, कीजिएगा। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे क्या गुलाब जल, इसको अच्छे से ही मम्मा मुझे इस तरीके से लगाकर और कुछ देर के लिए छोड़। और इसके बाद मैं लगाऊंगी एनवाइवे का कंसीलर, ये मेरा सेड है गोल्डन 3। तो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, ये देखिए हल्के हल्के से अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर और इससे हम अच्छे से अपना ब्लेंड आउट कर लेंगे। हिमालय का पाउडर ले रही हूँ, आज मैं इसे सेट करूंगी और एस्टर निकालते हुए थोड़ा थोड़ा सा हम अच्छे से ये देखिए सेट कर लेंगे दोनों ही आई में इस तरीके से। इसके बाद मैं ले रही हूँ मोर्फी का पहला ट्रांजिशन सेट के लिए ये, और ये सेट थोड़ा सा मिक्स करूंगी इन दोनों क्रीज में, जस्ट अप्लाई करेंगे ये देखिए। इसके बाद मैं ये वाला शेड ले रही हूँ एक पफी ब्रश की हेल्प से, क्रीज लाइन को हल्के हल्के से ब्लेंड आउट करते हुए ये देखिए। ये वाला शेड लेंगे हम, ये देखिए ये वाला एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से ये देखिए, ये वाला और इन दोनों शेड को, ये और ये हल्का सा हम इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। जस्ट हल्के हल्के से आपको अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये रेड वाला शेड लेंगे जस्ट हल्का सा फिंगर की हेल्प से यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। एनवाइवे का लाइनर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा विक लाइनर ड्रॉ करूँगी। अगर आपको विक लाइनर नहीं आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगी। तो इस तरीके से हमें लाइनर अप्लाई कर लेना है, ठीक है? लाइनर हमने अप्लाई कर लिया, अब हम लगा रहे हैं अपना लैक्मे का काजल। यार फिनिश हो गया यार, क्या बताऊँ मैं, आज मैं सामान फिर से अपना ऑर्डर करूंगी, कुछ ना कुछ तो यार खत्म ही हो जाता है। पर मैं ले रही हूँ अपना जेल लाइनर से अपनी आईब्रो को हम फील करेंगे हल्के हल्के से। देखो मेरा ये जेल लाइनर, ये देखिए कैसे जमा हुआ है ठंड गर्मी में भी। इसमें मैं एक बूंद डाल दूंगी अपना बेबी जॉनसन, बस ले जाओ। हाँ, और ये काफी अच्छे से ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे से ठीक हो गया ना। तो मुझे जम जाता है ना तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो आज आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। तो अपनी आईब्रो को हम फील कर रहे थे, ये देखिए देखा आपने, अजीब दिखने लगता है। अब देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना। हम क्या करेंगे अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेंगे, ये देखिए हल्के हल्के से आपको करना है वरना जो आपका आपने जो जेल लाइनर लगाया वो निकल जाएगा। लेंगे इसमें हम थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे, जस्ट हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेंगे अपनी आईब्रो के पास, क्योंकि मेरी आईब्रो इस समय बनी नहीं है इसी वजह से। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वीडियो में कि मैं अपनी आईब्रो घर में कैसे बनाती हूँ, देखिए कितनी ज्यादा इसकी ग्रोथ है। तो इसको मुझे कवर करना है इसी से, इसे कवर भी हो जाएगा, हम ब्लेंड आउट भी कर लेंगे साथ ही साथ। ये थोड़ा सा सीरम, ये देखिए ये देखिए हल्का हल्का सा अप्लाई करना आपको, बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने बताया कि ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, तो मैं इसी को यूज करती हूँ क्योंकि मेकअप करने पे हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसी वजह से
मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। लैक्मे का मॉइस्चराइजर वो हमारी स्किन पे क्या करता है, पिंकिस पिंकिस सा आवाज देखिए, ये देखिए पिंक पिंक टोन में आपको ये दिखता भी होगा, ये देखिए है ना, अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। सबसे प्यारा क्या करेंगे, प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर के लिए विल्टन वाइट का फोटो फोकस प्राइमर, और जब भी आप बेस तैयार करें अपने हेयर को अच्छे से पीछे कर लीजिएगा ताकि आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाए और कोई डिस्टर्ब ना करे। और आपको तो पता ही इसको लगाने के बाद एक ग्लो सा आ जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, ये बहुत ही अच्छा, ये देखिए पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ स्पेशल जगह तो वहां पे यही प्राइमर लगा के जाती हूँ ताकि मेरा फेस जो है चमके धमके। क्या क्या बोलने लगी हूँ आजकल मैं। फाउंडेशन के लिए मैं लगा रही हूँ मेगा फाउंडेशन। वाव, ये फाउंडेशन मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इसके बाद मेबेलिन फिट मी। और इसकी पैकेजिंग आप देखिए, माइंड ब्लोइंग इसकी पैकेजिंग है। जैसा जैसा ये काम करता है ना, इसकी पैकेजिंग भी वैसी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और स्पंज मैंने ये निकाल दिया था, ये इसका स्पंज है, और इसी को इस तरीके से करके आपको लगाना है। अब जब इसको लगाओगे ना, इतना अच्छा स्मूथ ग्लो देता है, साथ ही साथ फुल कवरेज है। और ये मेरा फिनिश होने वाला है, इसे मुझे दोबारा से मंगाना है। जब आप इसे लगाओगे ना तो बोलोगे वाह। ये देखिए, अगर जिन्हें फाउंडेशन ब्लेंड करना नहीं आता ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सच बता रही हूँ। एक बार आप ट्राई करोगे ना, इसके फैन हो जाओगे। अगर जिन्हें नहीं आता ब्लेंड करना, एक बार जरूर ले ले। और वाकई में बोलेंगे दी ने कुछ बताया था। वैसे मैं फेक चीजें नहीं बताती हूँ कि आप ले लो, फिर उसके बाद दोबारा देखो ही ना, बोलो कि एक बार ले लो, आप दोबारा बोलो ही ना कि हाँ दी ने ये देखो कैसा बताया था ना, तो वो वाला काम नहीं करती मैं। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, ये देखिए इसकी कवरेज, और ये इतनी स्मूथ तरीके से स्किन में। बस आपको क्या करना है, जिन्हें नहीं आता बस इस जैसे आप पाउडर लगाते हो वैसे ऐसे ऐसे करके आपको लगाना। ये देखिए, देख रहे हैं इसकी कवरेज देखिए, इसका ग्लो देखिए। OMG, पर्सनली अगर मैं कहीं जाती हूँ तो इसी को लगाती हूँ। ये देखिए, बस क्या है कि आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच होना चाहिए, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा बस। मेरा तो ये फेवरेट है यार, सच में जब से मैंने इसको लगाया ना, मेरा तो फेवरेट बन चुका है। और आप भी बना लो अपना फेवरेट। और ये मुझे काफी ज्यादा बजट में मिल गया था, purple.com पे ऑफर वगैरह चलते रहते, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। करूंगी थोड़ा सा कंटूर अपने फेस। एनवाइवे का कंसीलर मेरा शेड है 7। ये देखिए, और इसको हम अच्छे से ही ब्लेंड आउट करेंगे। हमने कॉन्टोर किया तो हाईलाइट तो करना ही करना है। थोड़ा थोड़ा सा सब जगह करूंगी मैं, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। ये देखिए कितनी अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है मेरा, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी ब्लेंडर। ये भी अच्छा है, और साथ ही साथ क्या अच्छा है मेरा, ये NYV का कलर करेक्टर। देखा आपने, काफी इजी तरीके से ब्लेंड आउट कर देता है यार, सच में यार। तभी तो मैं इसे यूज करती हूँ, वरना मैं दूसरा कुछ ना ले लूं। ये अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, आज मेरे होठों पर यही गाना, मेरा सनम सबसे प्यारा, और वाकई में है। किसका किसका सनम प्यारा है बताइएगा जरूर। क्या क्या यार, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं भी ना। आप लोग भी बोलोगे कि दी क्या क्या बोलती हूँ, जब आपसे बात कर ऐसे बात करने लगती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ना कि आप लोग सामने ही बैठे हो और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। ये क्या हमारे नोज की बारी, वो तो हाथ से ही करना है मुझे। बात ये क्या कॉम्पैक्ट यानी कि पाउडर, तो यहाँ पे मैं बेबी पाउडर ले रही हूँ जो है हिमालया का। पहले मैं आई के नीचे लगाऊंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये देखिए इस तरीके से, दोनों ही आई के नीचे अच्छे से लगाना है आपको। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट किया है ना, वहाँ वहाँ पर हम अच्छे से लगा लेंगे थोड़ा सा ज्यादा।
छोटू ब्रश ज्यादा सही है, अच्छे से लग जा रहा है इससे, जहां जहां पर हाईलाइट किया हमने। ठीक है, हाँ दाढ़ी बन गई। क्या करेंगे, पेंसिल ब्रश लेंगे, यही वाला रेड वाला सेट पिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर लगाया था अपना एस्ट्रा, उसको निकाल देंगे इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए। ये देखिए, हम लगाएंगे अपना ब्लशर, प्लीज पीच प्लीज पीच और पिंक मिला के हल्का सा। मेरा सनम सबसे प्यारा है, बस लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ क्या, हुडा ब्यूटी की 6। और वैसे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक तो सभी को पता बहुत ही अच्छी होती है और अच्छे से लग जाती है, साथ ही साथ बजट में भी होती है ना। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया और कितने अच्छे से ये लग भी गई। ऊपर मैं लगाऊंगी हुडा ब्यूटी की 2nd शेड इसका 5। जब भी आपको लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए हो तो 2 लिपस्टिक लगा लीजिए, लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। सनम सबसे कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। और इसके बाद क्या आती है हमारे हाईलाइटर की बारी। हाईलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ सीजीटी का हाईलाइटर। चमकारे चमकारे चिक मेरा चमकारे, तो वो देखिए मेरा फाइनल लुक। अभी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा कुछ इस तरीके का फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बैकग्राउंड मैंने बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया आप लोगों के कहने पर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड कर दिया है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई भी कमी लगी या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हो अलग से कि दे ऐसा कर लीजिए तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपना बैकग्राउंड अच्छे से अच्छा कर सकूँ, जितना हो सकता था उतना अच्छा मैंने किया। तो कोई भी सजेशन करना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।